गुड़िया के पापा, क्या हो गया आपको? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप डॉक्टर को दिखाकर अपना चेकअप करवा लो, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते नहीं हो। लेकिन आज तो मैं आपका चेकअप करवा कर ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, आप अपने छोटे भाई कुकू का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे पापा को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। जी मम्मा, मैं भाई का ध्यान अच्छे से रखूंगी। आप बेफिक्र होकर पापा का चेकअप करवाने जाओ। फिर रानू अपने पति को बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर उसके पति का अच्छे से चेकअप करती है और वो कहती है, देखो रानू, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। तुम्हारे पति को ब्लड कैंसर की बीमारी है और ये इनका आखिरी स्टेज है। इन्हें बचाया भी नहीं जा सकता है और ना ही इनका इलाज हो सकता है। तो तुम इन्हें काम पर मत जाने देना और इनका ख्याल रखना, इन्हें घर पर ही रहने देना। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को ये सब बता रही थी और रानू तो चुपचाप उदास खड़ी ये सब सुन रही थी। लेकिन बुलबुल डॉक्टर, अगर ऑपरेशन होगा तो भी नहीं आप मेरे पति को बचा पाओगी? हाँ, अगर ऑपरेशन होगा तो शायद तुम्हारे पति बच सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा और उसके लिए तुम पैसों का भी बंदोबस्त कर लेना। लेकिन बुलबुल डॉक्टर, ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? पूरे 1,00,000 रुपए। तुम जल्द से जल्द 1,00,000 रुपए का बंदोबस्त करवा लो। अभी तुम अपने पति को लेकर घर जा सकती हो। पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आ जाना। फिर रानू अपने पति को लेकर अपने घर वापस आ जाती है, जहां उसका पति उससे कहता है, रानू बताओ ना, क्या हुआ है मुझे? क्या कहा बुलबुल डॉक्टर ने? जी कुछ नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है। बस बुलबुल डॉक्टर ने कहा कि आप में खून की कमी है, इसलिए थोड़ी कमजोरी आ गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप कुछ दिन काम पर नहीं जाओगे और घर पर रहकर आराम करोगे और अपना अच्छे से ध्यान रखोगे। रानू, ये आप क्या कह रही हो? अगर रानू मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि इस घर में एक मैं ही हूँ जो काम करता हूँ। पति जी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ कर लूंगी, कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। रानू, जब मैं घर में हूँ तो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। मैं ठीक हूँ, मैं काम कर लूंगा और घर का खर्चा चला लूंगा। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पति जी, आप काम पर नहीं जाओगे, मैं काम कर लूंगी, आप घर में रहकर आराम करना। गुड़िया, आप अपने पापा का और अपने भाई का ध्यान रखना। मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, शाम तक घर लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने घर से काम की तलाश में चली जाती है। वो सारा दिन फिरती और काम की खोज करती, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो सारा दिन फिरती रहती। फिर एक दिन उसे मजदूरी का काम मिल जाता है और वो अपने बच्चों के लिए उन पैसों से और पति के लिए भोजन लेकर आती है। अब तो रानू के पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन रानू चिड़िया जंगल में बैठी रो रही थी। रानू चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि तभी वहाँ तोता आ जाता है और वो रानू से कहता है, रानू, तुम्हारे पति के ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हो गया है क्या? नहीं तोते भैया, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ कि मैं अपने पति का ऑपरेशन करा लूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। रानू, अगर तुम मेरी बात मानो तो दूसरे जंगल में जो कालू कौवा सेठ रहता है उससे 1,00,000 रुपए ब्याज पर ले लो और अपने पति का ऑपरेशन करा लो। बाद में तुम धीरे धीरे उसके पैसे चुका देना। वो पैसे ब्याज पर देता है तो तुम्हें भी दे देगा। रानू चिड़िया के पास ये आखिरी उम्मीद थी जो तोते ने उसे दिलाई थी। तब रानू उससे कहती है, तोते भैया, क्या वो सेठ कालू कौवा मुझे ब्याज पर पैसे दे देगा? चिड़िया, मैंने तुमसे कहा ना कि वो तुम्हें पैसे दे देगा। उसका तो काम ही यही है, फिर क्यों नहीं देगा वो तुम्हें पैसे? तुम जाओ उसके पास, वो तुम्हें जरूर पैसे देगा। फिर रानू चिड़िया सेठ कालू कौवे की तरफ चली जाती है। तब सेठ कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कहती है, क्या चिड़िया, 1,00,000 रुपए? अरे तुझे पता भी है कि 1,00,000 के बदले तुझे ब्याज कितनी देनी पड़ेगी?
मैंने कभी भी कव्य भैया ब्याज पर पैसे नहीं लिए हैं, तो आप ही मुझे बता दो कितने पैसे लगेंगे। जितने भी लगेंगे मैं आपको दे दूंगी। मतलब 1 लाख जो तुम ले जाओगे वो वाले मोल, और फिर जो ब्याज के डबल पैसे लगेंगे, बताओ मंजूर है तुम्हें? रानू चिड़िया के पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था, उसे तो सिर्फ अपने पति को बचाना था, इसलिए वो मान जाती है और कालू कौवा सेठ उसे 1 लाख रुपए दे देता है। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो पैसे लेकर घर आ जाती है। वो खुश थी कि अब उसका पति ठीक हो जाएगा। वो तो आने वाले समय के बारे में सोच भी नहीं रही थी कि वो ब्याज और मोल कैसे चुकाएगी। वो बस इसलिए खुश थी कि उसका पति ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो पैसे लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका पति तो मरा पड़ा हुआ था और उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। पापा पापा उठो पापा, आपको क्या हो गया? पापा आंखें खोलो। पापा हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, अब हम किसके साथ खेलेंगे? पापा उठो ना। दीदी और मम्मा, क्या पापा अब कभी नहीं लौट कर आएंगे? मम्मा, अब रात को मुझे कहानी कौन सुनाई करेगा और मैं किसके साथ सोया करूँगा? पापा आप वापिस आ जाओ। रानू तो खुद भी रो रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को दिलासा देती है। मेरे बच्चों चुप हो जाओ, अब तुम्हारे पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनका साथ बस हमारे लिए यहीं तक था, अब हम जिंदगी में अकेले रह गए। मैं तो उनके इलाज के लिए पैसे लेकर आई थी, लेकिन वो फिर भी हमें छोड़कर चले गए। अब मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मुझे ये पैसे उसे वापस लौटाने होंगे। फिर अगले दिन रानू चिड़िया वो 1 लाख रुपए कालू कव्वे को लौटा आती है और वापस अपने घर आ जाती है। रानू चिड़िया अपने पति के जाने के बाद अब बहुत उदास रहने लगी थी। तब एक दिन तोता उसके घर आकर उससे कहता है, रानू तुम हिम्मत मत हारो, देखो अब तुम्हें अपने आप में हिम्मत पैदा करनी होगी। जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, तुम अपने बच्चों की तरफ देखो, उनका तो तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम उनका ख्याल रखो और खुद भी अच्छे से रहो। तोते भैया मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं अकेले अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूं, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे काम पर जाऊं, और वैसे भी मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता। रानू तुम ऐसा करो, तुम्हारे बगीचे में वो जो एक आम का पेड़ लगा है, तुम उस पेड़ से आम तोड़कर बेचाया करो, तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाए करेंगे। लेकिन तोते भैया मैं आम कैसे बेचाऊं, वो तो अभी कच्चे हैं और उन्हें पकने में 1-2 महीने लग जाएंगे। रानू आम कच्चे हैं, चलो तो उसे छोड़ो, तुम ऐसा करो पकौड़े बेचना शुरू कर दो। रानू तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे पकौड़े बनाकर खिलाए थे, वो बहुत स्वादिष्ट थे, तुम उन्हें बनाकर बेचना शुरू कर दो, बच्चियों को बहुत पसंद आएंगे और तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। तोते भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पकौड़ों का याद लगाने के लिए। तोते भैया ये बात मेरे दिमाग में तो आई नहीं। ठीक है तो फिर मैं कल से ही पकौड़े बेचना शुरू कर देती हूँ। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अगले दिन से ही पकौड़े बनाकर बेचना शुरू कर देती है और पक्षी उसके पास पकौड़े खाने आने लगते हैं। सभी पक्षियों को उसके पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसके सारे पकौड़े बिक जाते हैं और रानू चिड़िया अच्छे पैसे कमाने लगती है। इस तरह वो पकौड़े बेचकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ इस खीर को पूरी खा जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा उस खीर को खा जाता है और उसे खाते ही वो तो मर जाता है। ये आपको क्या हो गया कालू जी, क्या हो गया आपको? आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी कालू जी? महाराज जी जंगल के हालात तो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा जंगल कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, कितना सूखा पड़ गया है, भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ मिट्टू महाराज, अब तो पड़ोस के जंगल में भी भोजन महंगा हो गया है, तो अब आपको जल्दी को सोचना चाहिए। और वैसे भी अभी तो हमारे पास अच्छा मौका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जंगल में बारिशें हुई थी,
पर हमारे पास बैंगन की फसल के बीज नहीं है, नहीं तो हमारी फसल अच्छी होती। हाँ तो फिर ठीक है पक्षियों, इस समस्या से निकलने के लिए मैं दूसरे जंगल से बैंगन के 2 बोरी बीज ले आऊंगा। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया तुम दोनों अलग अलग बैंगन की फसल उगाना और खूब मेहनत करना। तुम दोनों में से जिसकी फसल बैंगन की सबसे अच्छी होगी मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बड़े इनाम का सुनकर तो कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है। मिट्टू महाराज जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सबसे अच्छी फसल तो मेरी ही होगी। फिर मिट्टू महाराज उन दोनों को बैंगन के बीज खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं। वो दोनों पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया तो उन पैसों से तुरंत ही बीज खरीदने जाती है और कालू कौवा तो अपने घर में आकर बैठ जाता है। गौरी देखो मिट्टू महाराज ने मुझे कितने पैसे दिए हैं बैंगन के बीज खरीदने के लिए, परंतु गौरी हमने काफी समय से स्वादिष्ट सी खीर नहीं खाई है, तो मेरा खीर खाने का मन कर रहा है। हम ऐसा करते हैं इनमें से थोड़े पैसे लेकर स्वादिष्ट सी खीर बनाकर खाते हैं। कालू जी खीर, फिर तो मैं भी खाऊंगी स्वादिष्ट मलाई वाली खीर। फिर उसके बाद वो दोनों खीर बनाकर खाते हैं। खीर खाने के बाद कालू कहता है, वाह वाह गौरी खीर तो बहुत स्वादिष्ट थी, चलो अब मैं जाकर बैंगन के बीज ले आता हूँ। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा अपने खेत में बैंगन के बीज बो देता है और रानू भी बो देती है। रानू तो बहुत ही ईमानदार थी, वो अपने खेत में मन लगाकर काम करती है, जबकि कालू कौवा तो सारा दिन अपने घोंसले में सोता ही रहता है। ये क्या कालू जी, अब क्या आप सारा दिन सोते रहोगे, अब उठ जाओ। गौरी मुझे बहुत नींद आ रही है, बस तुम मुझे थोड़ी देर और सोने दो। नहीं कालू जी अब आप मत सो, उठ जाओ आप। आपको तो पता है ना कि मिट्टू महाराज ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर वो हमारा बड़ा इनाम हमारे हाथ से निकल गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। सारी नींद खराब कर दी तुमने मेरी, अब लगता है तुम मुझे सोने नहीं दोगी। मैंने आपको बता दिया है कि हमारी बैंगन की फसल अच्छी होनी चाहिए और वो बड़ा इनाम हमें ही मिलना चाहिए। गौरी मैंने कहा ना अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। देखो कालू चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए घर से निकाल दूंगी और रात को भी घर के अंदर नहीं आने दूंगी, इसलिए जाओ जाकर फसल को देखो। हाँ हाँ तुम गुस्सा मत करो, मैं जाता हूँ फसल के पास। फिर वो आलसी कालू कौवा बड़ी मुश्किलों से उठकर फसल के पास जाता है। करमजली ने मुझे घर से निकाल दिया और सोने भी नहीं दिया, कहती है मुझे घर से निकाल देगी, जैसे कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इसके सामने। जब मुझे नींद आती है तो आती है, इसमें मैं क्या करूँ। अभी भी मुझे कितनी नींद आ रही है, मैं तो यहीं पर सो जाता हूँ, मुझसे नहीं होता ये काम आम। ये कहकर कालू कौवा खेत में पानी देने की बजाय वहाँ सो जाता है और वो तो लंबा सो जाता है, उसे सोते सोते रात हो जाती है। तब वो रात को उठकर कहता है, हे भगवान ये तो सत्यानाश हो गया, मैं इतना लंबा सो गया कि रात भी हो गई, मैंने तो अपनी फसल को पानी तक नहीं दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ अभी घर चला जाता हूँ, सुबह आकर अच्छे से पानी दे दूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वो सुबह भी गोरी कौवी से छिपकर खेत पर आकर सो जाता है। वो तो अपनी फसल की जरा भी देखभाल नहीं कर रहा था और ना ही उसे पानी दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया की मेहनत रंग ले आई थी, उसके तो छोटे छोटे बैंगन के पौधे भी निकल आए थे। वाह मुझे पता था मेरी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। बस अब जल्दी से मिट्टू महाराज से मुझे वो बड़ा सा इनाम भी मिल जाए, फिर तो मुझे मजा आ जाएंगे। फिर ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और रानू चिड़िया की बैंगन की फसल अच्छे से लगकर तैयार हो जाती है। उसके खेत में बहुत सारे बैंगन लग जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी जब अपनी फसल देखने खेत पर आती है तो वो वहाँ क्या देखती है कि कालू कौवा तो आराम से सो रहा था। ये क्या, यहाँ पर तो फसल का एक पौधा भी नहीं निकला है, इसका मतलब ये आलसी कालू कौवा रोजाना यहाँ आकर सो जाता है और मुझे बेवकूफ बनाता है, इसे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। उठो कालू जी उठो।
गोरी कौवे की आवाज सुनकर कालू कौवा झट से उठ जाता है। ये क्या, हमारी फसल में अभी तक पौधे भी नहीं निकले हैं और वहाँ रानू चिड़िया की फसल तैयार भी हो गई है और बहुत सारे बैगन भी लग गए हैं। मुझे पता है तुम्हारे इस आलस की वजह से ये सब हुआ है। तुमने जरा भी मेहनत नहीं की है और तुम यहाँ रोजाना आकर सो जाते हो। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की फसल लगाने की, लेकिन ना जाने ये जमीनी कैसी है, यहाँ फसल लगती नहीं है। बस बस कालू जी, अब आप ज्यादा झूठ मत बोलो। कल मिट्टू महाराज फसल देखने के लिए आने वाले हैं और मैं वो बड़ा इनाम अपने हाथों से ऐसे जाने नहीं दूंगी। हम ऐसा करते हैं, कलम खीर बनाते हैं और उसमें जहर मिलाकर रानू को खिला देंगे जिससे वो मर जाएगी और फिर हम उसकी फसल पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपाय है। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रानू कैसे मरी है। बस मैं अभी जाकर जहरीली दवा ले आता हूँ। थोड़ी ही देर में गोरी कौवे खीर बना लेती है और कालू कौवा जहरीली दवा ले आता है। ये तो फिट्स हो गए। मैंने इनसे कहा भी था कि खीर में जहर मिला देना, लेकिन इनका आलसीपन ना ये जाएगा ही नहीं। ये कहकर वो गोरी कौवे खुद ही खीर में जहर मिला देती है। चलो भाई, अब ये खीर तो हो गई जहरीली। अब जैसी कालू जी उठेंगे मैं ये खीर रानू के लिए भिजवा दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो कालू कौवा भी सोकर उठ जाता है और वो कहता है, वाओ, खीर में से तो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। गोरी ने मुझसे कहा था कि इसमें जहर मिलाकर रानू को दे आना। मैंने तो अभी तक मिलाया नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से थोड़ी खीर खा लेता हूँ, फिर जहर मिलाकर रानू को दे आऊंगा। उस कालू कौवे को क्या पता था कि खीर में तो पहले से ही जहर मिला दिया है, लेकिन वो तो मजे ले लेकर उसे खा जाता है और उसे खाती जहर का असर होने लगता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। हे भगवान, कालू जी आपको ये क्या हो गया? लगता है इन्होंने ये जहर वाली खीर खा ली। गोरी कौवे और कालू कौवे की चालाकी खुद उन्हीं पर भारी पड़ जाती है और उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया को उसकी अच्छी फसल की बड़ी इनाम मिल जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है। रानू चिड़िया ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करती थी और जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया की ऑटो रिक्शे में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि रानू चिड़िया सबसे किराए के पैसे बहुत ही कम लेती थी। परंतु उसके पड़ोस के कालू कौवा और गोरी कौवे उसकी तरक्की से बहुत जला करते थे। कालू जी, आप भी ऑटो चलाना शुरू कर दो, क्योंकि जंगल में सिर्फ चिड़िया ही ऑटो चलाती है और उसकी दिन भर की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। गोरी जी, ऑटो चलाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास ऑटो है कहाँ और ना ही ऑटो खरीदने के लिए पैसे हैं। कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया का ऑटो चुरा लेते हैं। गोरी, ऑटो पर एक नंबर प्लेट होती है और हमें पुलिस एक मिनट में पकड़ कर ले जाएगी। फिर चलाती रहना जेल में ही ऑटो। कालू जी, चलवाना तो आपसे ऑटो ही है, चाहे कहीं से भी जुगाड़ करूं। और हाँ, आज की आज घर पर ऑटो आ जाना चाहिए। परंतु गोरी, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से ऑटो खरीदूं? कालू जी, हम ऑटो एजेंसी चलते हैं और किस्तों पर एक ऑटो ले आते हैं। ये कहकर वो दोनों ऑटो एजेंसी चले जाते हैं और कुछ ही देर में किस्तों पर ऑटो ले आते हैं। फिर गोरी कौवे तो अपने ऑटो का स्वागत करती है। मुबारक हो कालू जी आपको, और आज से ऑटो चलाने के लिए भी आपको मुबारक हो। गोरी जी, आपको भी मुबारक हो। अपना कंडक्टर जो रखूंगा मैं आपको। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, जो आपने ऑटो ले लिया। अब से हम दोनों मिलकर ही ऑटो चलाया करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, अब से ऑटो साथ में ही चलाया करेंगे। भला एक साथ क्यों, हम तो तुमसे पहले ऑटो चलाने जाया करेंगे और तुमसे ज्यादा पैसे कमा कर लाया करेंगे। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ।
फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन कालू और गोरी को भी अपना ऑटो लेकर चले जाते हैं। वो काफी देर तक खड़े रहते हैं परंतु वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आता। फिर कुछ ही देर बाद रानू चिड़िया भी अपना ऑटो लेकर वहाँ पहुँच जाती है। ये क्या चिड़िया, हमें कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए, परंतु कोई भी पक्षी यहाँ क्यों नहीं आया? गौरी बहन, पक्षी अभी आते ही होंगे क्योंकि उनका आने का समय अभी से शुरू होता है, इसीलिए तो मैं जल्दी नहीं आती। फिर कुछ देर बाद पक्षी यात्रा करने वाले आ जाते हैं। कुछ पक्षी रानू के ऑटो में बैठ जाते हैं और कुछ कालू कौवे के में। फिर वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बस बस यहीं पर रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है और ये लो अपने 10 रुपए। अरे सिर्फ 10 ही रुपए? हमने तो 20 रुपए सवारी कर रखी है, अभी आपको 10 रुपए और देने होंगे। लेकिन वो चिड़िया तो यहाँ तक के 10 ही रुपए लेती है, तो फिर आप क्यों 20 ले रहे हो? क्योंकि उस चिड़िया का ऑटो तो फटफटिया है और वो 10 मिनट लेट भी चलता है, और हमारा ऑटो तो एकदम नया है, हवाई जहाज से भी तेज चलता है। फिर लूसी कबूतरी उससे बहस नहीं करती और उसे बाकी के और 10 रुपए दे देती है। फिर दूसरे पक्षी भी उसे 20-20 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया बहन, अब हम इस कालू के ऑटो में कभी नहीं बैठा करेंगे, थोड़ा लेट ही सही लेकिन हम चिड़िया की ऑटो में बैठा करेंगे। हाँ हाँ, मैं भी नहीं बैठूंगी, ये तो डबल किराया लेते हैं। गोरी गोरी को भी ये देखो, हमारी पहले ही दिन कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ हाँ कालू जी, कमाई तो सच में बहुत अच्छी हुई है। फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन आज वो फिर से सबसे पहले अपना ऑटो लेकर चले जाते हैं, परंतु आज तो उनके ऑटो में कोई भी पक्षी नहीं बैठता, सबके सब पक्षी रानू चिड़िया के ऑटो में ही बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसा क्या कर दिया हमने जो एक भी पक्षी हमारे ऑटो में नहीं बैठ रहा है? गोरी को भी डबल किराया, आज हमने पक्षियों से डबल किराया जो लिया है, इसलिए सबके सब चिड़िया के ऑटो में ही बैठकर चले गए। कालू जी, इस चिड़िया को तो रास्ते से हटाना ही होगा, वरना तो हमारी कमाई ठप हो जाएगी। परंतु वो कैसे गोरी, चिड़िया तो अपना ऑटो चलाना बंद नहीं करेगी। कालू जी, हम रात को चिड़िया के ऑटो में से सारा पेट्रोल चुरा लेंगे, फिर देखो कमाल कि कैसे सारे पक्षी हमारी ऑटो में बैठते हैं। अरे वाह गोरी, फिर तो हमें पेट्रोल भी नहीं खरीदना पड़ेगा, उसके ऑटो से ही निकाला हुआ पेट्रोल हम अपने ऑटो में डाल लेंगे। फिर कालू और गोरी अपने घर चले जाते हैं और वो दोनों रात होते ही चिड़िया के घर आकर उसके ऑटो में से सारी पेट्रोल चुरा लेते हैं, और अगली सुबह सारे पक्षी चिड़िया के ऑटो में बैठ जाते हैं, परंतु थोड़ी दूर जाने पर ही चिड़िया का ऑटो रुक जाता है, और चिड़िया के खूब कोशिशें करने के बाद भी उसका ऑटो नहीं चलता। उतरो उतरो पक्षियों उतरो, चिड़िया के खटारा ऑटो में से उतरकर हमारे नए ऑटो में बैठ जाओ, अब चिड़िया का ऑटो चालू होने वाला नहीं है क्योंकि अब ये खराब हो गया है। हाँ हाँ पक्षियों, अब तो कालू और गोरी के ऑटो में ही बैठना पड़ेगा, वो भी डबल किराया देकर। फिर वो सारे पक्षी कालू कौवा के ऑटो में बैठकर चले जाते हैं, परंतु चिड़िया तो ये देखकर बहुत परेशान थी कि आखिर उसका ऑटो अचानक से खराब कैसे हो गया। फिर वो अपने ऑटो का पेट्रोल चेक करती है। अरे मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी, सिर्फ मेरे ऑटो का पेट्रोल ही खत्म हुआ है, कल से मैं टंकी फुल करवा कर लाऊंगी। फिर चिड़िया अपने ऑटो की पेट्रोल टंकी फुल करवाती है, और शाम को कालू और गोरी भी अपने घर आ जाते हैं।
कालू जी, आज तो मजा ही आ गया। सारे पक्षी हमारे ऑटो में ही बैठे और डबल किराया भी दिया। गौरी, आज रात को फिर से चिड़िया के ऑटो में से पेट्रोल चुरा कर ले आएंगे। फिर ना तो हमें पेट्रोल खरीदना पड़ेगा और ना ही चिड़िया का ऑटो चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक तीर से दो दो निशाने साधे हैं हमने। फिर वो दोनों अब ऐसा ही करने लगे थे। वो रोजाना रानू चिड़िया की पेट्रोल चुराने लगे थे। अब दिन भर सारे पक्षी कालू के ही ऑटो में बैठते और चिड़िया तो इस बात से बहुत परेशान थी कि जो भी पक्षी उसके ऑटो में बैठता वो रास्ते में ही उतर जाता था। चिड़िया बहन, जब तुम्हारा ऑटो खराब है तो तुम इसे चलाती क्यों हो? तुम्हारी वजह से हम अपने काम पर जाने से भी लेट हो जाते हैं। पहले अपने ऑटो को ठीक करवाओ, फिर चलाना। चिड़िया बहन, तुम अपने इस ऑटो को कबाड़े में बेच दो, खामा खाम सबका दिमाग खराब करता है। आइए पक्षियों, आइए, आप हमारे ऑटो में बैठ जाइए। फिर गौरी को भी सारे पक्षियों को अपने ऑटो में बिठाल कर वहाँ से ले जाती है। चिड़िया तो बहुत परेशान थी। अब वो फिर से अपने ऑटो को लेकर पेट्रोल पंप के पास आती है। लगता है चिड़िया बहन, आपकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है, तभी तो एक दिन में दो दो बार टंकी फुल करवाती हो। नहीं नहीं भाई साहब, मेरी तो बिल्कुल भी अच्छी कमाई नहीं हो रही। पता नहीं मेरा सारा पेट्रोल कहाँ चला जाता है। चिड़िया बहन, मैं अभी आपका ऑटो चेक करता हूँ कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। फिर वो जग्गू पक्षी चिड़िया का ऑटो चेक करता है। चिड़िया बहन, आपका ऑटो तो बिल्कुल ठीक है। फिर भाई साहब, मेरे ऑटो में खराबी कहाँ है? मुझे तो लगता है कि कोई आपके ऑटो से पेट्रोल निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। परंतु भाई साहब, कौन कर सकता है पेट्रोल चोरी? मुझे तो लगता है चिड़िया बहन, गौरी और कालू को भी कर रहे हैं ये काम, क्योंकि जब से उन्होंने ऑटो चलाने का काम शुरू किया है तब से सिर्फ वो पेट्रोल भरवाने एक बार आए हैं। लेकिन आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्या पता कि वो और कहीं से पेट्रोल भरवाते हों। चिड़िया बहन, आज तुम पेट्रोल की जगह पर अपने ऑटो में पानी भरो, फिर पता चलेगा कि कौन पेट्रोल चुराता है। फिर चिड़िया जग्गू पक्षी की बात मान लेती है और वो घर आकर अपने ऑटो में पानी भर देती है। रात को कालू और गौरी को भी अंधेरे में पेट्रोल समझकर पानी ले जाते हैं और अपने ऑटो में ले जाकर डाल देते हैं। कालू जी, आज ऑटो को क्या हो गया, ये चलता क्यों नहीं है? अरे कालू भाई साहब, आपका ऑटो तो नया है, फिर ये चल क्यों नहीं रहा? अरे कालू भाई साहब, आप जरा जल्दी करें, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ कि ये ऑटो चल क्यों नहीं रहा। कालू और गोरी, आज आपका ऑटो चलेगा भी नहीं, क्योंकि आपके ऑटो में पेट्रोल की जगह पानी है पानी। चिड़िया, आपका ऑटो चलता होगा पानी से, हम तो पेट्रोल भरवाते हैं। कालू कौवा ऑटो चालू करने की बहुत कोशिश करता है, परंतु उसका ऑटो नहीं चलता। वहाँ सारे पक्षी मौजूद थे। तब रानू चिड़िया उन दोनों की करतूत के बारे में उन्हें बता देती है। अरे आप दोनों तो बहुत ही बेकार पक्षी हो, आज के बाद हम में से कोई भी पक्षी आपके ऑटो में नहीं बैठेगा। फिर वो सारे पक्षी चिड़िया के ऑटो में बैठकर चले जाते हैं और इधर कालू कौवा और गोरी कौवी तो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया को पकौड़े बेचने का आइडिया किसने दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।